नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। डिजिटल इंडिया के मुहिम के तहत भारतीय डाक सुविधाओं को भी डिजिटल किया जा रहा है। अब पोस्ट ऑफिस भी बैंकों से मिलने वाली सभी सुविधाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगी। भारतीय पोस्ट ऑफिस सुविधा डिजिटलीकरण के क्रम में इंटरनेट बैंकिंग सर्विस की शुरुआत दिसंबर 2018 से की गई है। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा इंडिया पोस्ट वेब पोर्टल के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को लॉन्च किया गया है। इस सुविधा के तहत एक पोस्ट ऑफिस बचत खाते से दूसरे पोस्ट ऑफिस बचत खाते में पैसा जमा एवं ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए भारतीय बैंक डाकघर इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के विस्तृत जानकारी जानें। पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए दस्तावेज क्या चाहिए होंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड और डाकघर बचत खाता से पैन कार्ड एवं आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए। डाक बचत खाता का एटीएम कार्ड होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में एकल या संयुक्त बैंक बचत खाता होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी सक्रिय होने चाहिए, यानी चालू हालत में होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा? इसके लिए अपने निकट के डाकघर में जाकर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। फिर फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। इसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस बचत खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस सक्रिय होने का एसएमएस प्राप्त होगा। इस मैसेज में इंटरनेट बैंकिंग सर्विस में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी लिखा होगा। इस आईडी की सहायता से आप इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए लॉगिन कर सकेंगे। तो दोस्तों, जब आपको ये इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने का यूजर आईडी आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर पर गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस पे लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। government.in/department/of/post पर आपको लिंक करना होगा। इसके बाद ये खुल जाएगी वेबसाइट आपकी डाक विभाग की। डाक विभाग की वेबसाइट खुलने के बाद आपको ऑनलाइन बैंकिंग विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन बैंकिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ ये खुल जाएगी आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इसमें यूज़र आईडी का विकल्प मिलेगा। यूज़र आईडी जो आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हुई होगी, इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय होने के मैसेज का जो आपको एनवेलप मिला होगा डाक विभाग की तरफ से, उसके अंदर यूज़र आईडी लिखा होगा। वो यूज़र आईडी आपको यहाँ लिखना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड बनाने का आपको आपके पास ऐसा विकल्प आएगा, उसमें यहाँ पासवर्ड लिखा होगा। वो यहाँ पासवर्ड लिखना बनाना होगा अपने, जो आपको याद रह सके ऐसा पासवर्ड यहाँ बनाना होगा, और फिर लॉगिन पर विकल्प करना होगा, विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फिर होम पेज पे जाना होगा। होम पेज पर जाकर के आप लॉगिन विकल्प के अंतर्गत यूज़र आईडी और पासवर्ड का विकल्प दिया होगा, उसको लिखने के बाद लॉगिन पर फिर से क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का, और उसके माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग कर सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र और ऑनलाइन PPF अकाउंट, RD अकाउंट, ये सारी सुविधाओं का आप उपयोग ऑनलाइन कर सकेंगे। तो पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग से आप कौन कौन सी
लाभ उठा सके ये जानते हैं। पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के द्वारा आप ऑनलाइन अपने पोस्ट ऑफिस बचत खाते से रेकरिंग डिपॉजिट खाता यानी आरडी खाता, आवर्ती जमा खाता और भविष्य निधि खाता यानी पीपीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग डैशबोर्ड का उपयोग करके आप घर बैठे पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट और भविष्य निधि खाता खोल या बंद भी कर सकेंगे। अपने खाते से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800425244 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल आईडी का प्रयोग करिए dopebanking@indiapost.gov.in। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।